नमस्कार दोस्तों, पीआरजी ऑनलाइन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिया सोलंकी। हर कोई ये जानना चाहता है कि आने वाला साल 2018 उनके लिए कैसा रहेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम का प्रथम अक्षर का, की, कु, ग, ड, छ, के, को, ह से शुरू होता है, उनकी राशि मिथुन होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उतार चढ़ाव की स्थिति में बना रहेगा। यदा कदा मन में अशांति रहेगी, फालतू की टेंशन लेने के कारण मानसिक रूप से बीमार रहे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। काम स्वयं करने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, परंतु आत्मशक्ति कमजोर महसूस होगी। पारिवारिक स्थिति, यह वर्ष पारिवारिक दृष्टि से ठीक ठाक रहेगा। इस वर्ष पारिवारिक सदस्य किसी न किसी कारण से दूर रहेंगे, जो प्रेम का आभास भी कम करेगा। मन में ऐसे विचार आएंगे कि परिवार में कोई सदस्य आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कमी महसूस नहीं करेंगे। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, मानसिक रूप से अस्वस्थ व अप्रसन्न महसूस करेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान की ओर से चिंता नहीं रहेगी, उनको वांछित करियर में सफलता मिलने से कुछ सुख और सहयोग के आसार नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सुख व सहयोग के संबंध बने रहेंगे। व्यावसायिक स्थिति, इस वर्ष व्यापारिक एवं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। व्यापार में उन्नति हेतु परिश्रम अधिक करने पर ही काम बनेगा। सांसारिक महत्व के शुभ एवं विशेष कार्य को बुद्धि बल से पूरा करने में ही सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन तथा किसी परिवर्तन की संभावना रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र के लिए समय उठा पटक का रहेगा। मंत्रीगण और कुछ अधिकारी वर्ग से संबंध स्थापित होंगे, फिर भी उनसे संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। न्याय के कार्यों में सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को वांछित रोजगार नहीं मिल पाएगा। जितना घूमेंगे काम धंधे में उतना ही फायदा मिलेगा। बिना जरूरत के कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। किसी भी कार्य को लेके अचानक परेशानी आ सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले अपनी कटु वाणी पर संयम रखें, वरना बने बनाए काम एंड वक्त पे खराब हो सकते हैं या उसका विपरीत परिणाम उठाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष ठीक ठाक रहेगा। धन लाभ के साथ साथ खर्च की अधिकता भी रहेगी। बैंक बैलेंस में कमी लगेगी। पार्टनरशिप, लॉटरी, सट्टे के कार्यों में धन की हानि होने की संभावना रहेगी। जमीन जायदाद में लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का सुलझारा होगा। संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में पूंजी का गलत इस्तेमाल होगा, वो आगे जाके परेशानी का सब कारण बनेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक ठीक है। उच्च शैक्षणिक डिग्री में वांछित सफलता नहीं मिल पाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधा आएगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यात्रा योग, इस वर्ष बिजनेस को लेके छोटी और बड़ी यात्राएं होती रहेगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2018 औसत बना रहेगा। नमस्कार।